रंगों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। रंग के बिना चित्र जैसे अधूरा है, ऐसे ही हमारा जीवन भी अधूरा है। देखिए, ये चित्र है काला और सफ़ेद। इसके विपरीत हम देखते हैं, ये चित्र देखिए, इसमें हमको लाल, नीला, पीला, हरा सभी रंग दिखाई देते हैं। रंग क्या है? रंग प्रकाश का एक गुण है। रंग बिना प्रकाश के कभी भी आप अनुभव नहीं कर सकते। कमरे में आप आते हैं, किसी भी कमरे में, तो आप पहले लाइट जलाते हैं, तभी आपको वहाँ पर रखी हुई वस्तुओं के रंग दिखाई देते हैं। चित्रकला में रंगों का विशेष महत्व है। हम कोई भी दो आकार कैसे दिखाएंगे? सर्कल में आपने एक बॉल बनाई, एक एप्पल बनाया और एक अमरूद बनाया। तीनों के आकार थोड़े थोड़े से भिन्न हैं, लेकिन मूलतः वो सर्कल से ही रिलेटेड हैं। ऐसे में हमको रंगों का चयन उन्हीं वस्तुओं के आधार पर करना पड़ता है। जैसे एप्पल में हम एप्पल वाला कलर भरेंगे, अमरूद में अमरूद का कलर भरेंगे और बॉल में हम बॉल का कलर भर के ही उसके अस्तित्व को प्रस्तुत कर सकते हैं। चित्र हम क्यों बनाते हैं? नेत्रों को सुख देने वाला एक वस्तु बनाते हैं, जिससे मनुष्य के चित्त का रंजन हो और उसके नेत्रों को सुख प्रदान कर सके। देखिए इस चित्र में रंगों की महत्ता। रंगों का भी हमें अलग अलग चित्रों में अलग अलग तरीके से प्रयोग करना पड़ता है। मूलतः प्राथमिक रूप में तीन कलर हमको प्रकृति से मिले हैं। नीला आकाश से मिला है, लाल अग्नि से मिला है और पीला हमको पृथ्वी से मिला है। ये तीन मूलतः कलर होते हैं जो कि कभी बनाए नहीं जा सकते, लाल, नीला और पीला। इसमें से हम नीला और पीले को मिला के हरा बनाते हैं, पीले को लाल को मिला के ऑरेंज बनाते हैं और लाल और नीले को मिला के बैंगनी कलर की प्राप्ति होती है। इस तरीके से तीन हमारे प्राथमिक कलर्स हैं और तीन के मिश्रण से, सम्मिश्रण से हमको तीन और कलर मिलते हैं, नारंगी, बैंगनी और हरा। ये हमारे सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं। इसके अलावा फिर कलर चार्ट होता है। कलर चार्ट में हम वाइट और ब्लैक मिला के टिंट्स और शेड्स प्राप्त करते हैं। उस तरीके से हम एक चित्र में अगर हम लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं तो लाल रंग के डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट टिंट्स बनाकर हम एक ही रंग से उस पूरे चित्र को भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसको हम मोनोक्रोमिक कलर स्कीम कहते हैं। इसके अलावा कलर के टोन्स होते हैं, डिफरेंट तरीके के टोन्स। आपने डार्क टोन बनाया, फिर मीडियम टोन बनाया, फिर लाइट टोन बनाया। तो ये जो हमारे मधुबनी के चित्र हैं, मधुबनी के चित्र मुख्य रूप से प्राथमिक कलर से बनाए जाते हैं। ये देखिए दुर्गा जी का चित्र है, इसमें प्योर कलर्स हैं, शीशी में से कलर निकाला और डायरेक्ट इसमें लगा दिया। लेकिन जैसे वाटर कलर का काम करते हैं, सी का इम्प्रेशन दिखाते हैं, सी शोर पर बनाते हैं, उन लोगों का कलर का इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। वाटर कलर का डिफरेंट होता है, ऑयल कलर का डिफरेंट होता है, पेस्टल कलर्स का डिफरेंट होता है। जैसे वाटर कलर में लाइट टू डार्क चलते हैं, ऑयल कलर में डार्क टू लाइट चलते हैं। सबसे पहले डार्क टोन लगाते हैं, उसके बाद फिर धीरे 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 करके लास्ट में हम सबसे लाइट टोन लगाते हैं। वाटर कलर में इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। हम पहले लाइट के लिए स्पेस छोड़ देते हैं, कागज़ का जो वाइट कलर होता है उसी को छोड़ देते हैं और फिर धीरे 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 लास्ट में हम उसमें डार्क टोन्स लगाते हैं। रंगों का इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया। रंगों के साथ साथ डिफरेंट टोन्स होती हैं और टोन्स को हम बना के भी अलग अलग आकारों की इम्पोर्टेंस को दिखाते हैं। चित्र में जैसे भगवान बुद्ध को बनाया और यशोधरा को बनाया और राहुल को बनाया, तो यशोधरा को और राहुल को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे कलर में कलाकार। कलाकार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस भगवान बुद्ध को देगा, क्योंकि भगवान बुद्ध के बाद ही यशोधरा और राहुल का नंबर आता है। तो हमको अपने विषय वस्तु के आधार पर, चित्र में जो भी विषय वस्तु होती है उस विषय वस्तु के आधार पर ही हमको रंगों का चयन करना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट है चित्र में कि चित्रकार जो भी भावना से वशीभूत होकर चित्र का अंकन करता है, वो भावना दर्शक तक जानी चाहिए। चाहे वो आकार के माध्यम से जाए, चाहे रेखा के माध्यम से जाए, कलर्स के माध्यम से जाए, टोन के माध्यम से जाए, टेक्सचर, स्पेस, जो हमारे कला के 6 कला तत्व है, उनके माध्यम से चित्रकार का एक और एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि उसकी भावना दर्शक तक पहुँचे।